दोस्तों, जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि आज देश किन हालात से गुजर रहा है, देश के भीतर लोगों के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा है और देश में एक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न की गई है। और इस परिस्थिति में लगातार तीन घटनाओं में हमारे सेना के कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनको शहादत मिली है। इस मंच से सबसे पहले हम उन सैनिक भाइयों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को जो कि आपके और हमारे तरफ एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं, किसान और मजदूर के बेटे हैं, उनसे जो हमारा वर्गीय संबंध है, इस आधार पे हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि इस देश की घड़ी में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। साथ ही साथ आप तमाम लोगों से यह अपील करना चाहता हूं, शहादत की कुर्बानी की जो विरासत है उसको कुछ लोग अपने वोट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने चुनावी मुद्दे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इस देश के लोगों के ऊपर, इस देश के भीतर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं आप तमाम लोगों से, इस दुख की घड़ी में हम तमाम लोगों को एकजुट रहने की जरूरत है और समाज के भीतर, देश के भीतर जो लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एकजुट रहेंगे, अन्यथा शहीदों की शहादत बेकार हो जाएगी। उस कुर्बानी को जिंदा रखने के लिए हमें एकता को और एकजुटता को जिंदा रखना है। आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि बड़ी चालाकी से सरकार के टुकड़ों पर और सरकार जिनके टुकड़ों पर पलती है उन मीडिया चैनलों के द्वारा इस देश के भीतर ऐसी दुख की घड़ी में जब पूरा देश एकजुट है, विपक्ष ने कहा कि हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं और इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, उस वक्त टीवी स्टूडियो में बैठकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, जेएनयू का बहाना बना करके, विद्यार्थियों के बहाने से इस देश के विपक्ष को, इस देश में बोलने वाले लोगों को, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को और बुद्धिजीवियों को इस दुख की घड़ी में भी बदनाम करने की कोशिश की गई है। एक प्रधानमंत्री के इस दौर में जो फेक न्यूज की परंपरा शुरू हुई है उसमें गलत तरीके से गलत सवाल को उठाया जा रहा है। देश में यदि कोई आतंकवादी घटना होती है, पूरे देश को इकट्ठा होकर एक करारा संदेश इन आतंकवादियों को देना चाहिए कि आप इस देश को नहीं डरा सकते हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि देश की गद्दी पे जो बैठे हुए लोग हैं वो खुद आतंकी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और यह उसी विचारधारा का नतीजा है कि इस देश को नफरत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है। और आप जानते हैं कि इस शोर शराबे में, इस फेक न्यूज के द्वारा, इस झूठ के द्वारा जनता के असली सवाल भुला दिए जाएंगे। ये जंतर मंतर है, इस जंतर मंतर के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि पिछले दिनों इसको प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब आप बताइए कि लोकतंत्र में जनता प्रदर्शन नहीं करेगी तो क्या करेगी? इसको प्रतिबंधित किया गया बड़ी लड़ाई के बाद,
इस प्रतिबंध को हटाया गया है। और आज जब आप जंतर मंतर पे सरकार के खिलाफ चार्जशीट लेकर के आए हैं, आरोप पत्र के साथ साथ जब आप मांग पत्र लेकर के आए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपसे पहले इस देश के आम इंसान, मजदूर और किसान, और यहाँ तक कि सेना में काम करने वाले जवान भी इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। यही वो जगह है जहाँ इस देश में आर्मी से रिटायर्ड लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का महीनों आंदोलन चलाया था। और सरकार की बेशर्मी देखिए कि उनकी मांगों को सुनने की बजाय ठीक 26 जनवरी से पहले, गणतंत्र दिवस से पहले, गणतंत्र की रक्षा करने वाले उन जवानों के ऊपर लाठियां चलाई गई। इसी दिल्ली में किसान जो सबके लिए अनाज पैदा करते हैं, उन किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई। मजदूरों ने जब पूरे देश में 2 दिनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया, उस हड़ताल को बदनाम करने की कोशिश की गई। मैं यह बात इसलिए बता रहा हूं कि इस आंदोलन के दौर में आप अपने आप को अकेला मत समझिए। समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जो अपने हक और अधिकार के लिए इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को नहीं बुलंद कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि यहां दिल्ली में किसान, मजदूर, बैंक कर्मी, छात्र, नौजवान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, तमाम लोगों के आंदोलन हुए। लेकिन ऐसी कौन सी ताकत है कि सरकार को यह आत्मविश्वास देता है कि चाहे देश की जनता हमारे खिलाफ हो, चाहे ये सरकार देश के खिलाफ हो, इनको चुनाव में जीतने का आत्मविश्वास कहाँ से आता है? इनको चुनाव में जीतने का आत्मविश्वास झूठ बोलने से आता है। और ये झूठ बोलने का काम बड़ा अफसोसजनक है कि जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उसका एक हिस्सा आज पूरी तरह से सरकार का संवाददाता बन चुके हैं। जो एंकर हैं वो कोई सवाल नहीं पूछते हैं, कोई सवाल नहीं उठाते हैं। आज जब आप यहाँ रैली कर रहे हैं तो शाम को प्राइम टाइम में आपका सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये कहा जाएगा कि कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट आए थे मोदी जी को बदनाम करने के लिए। अरे यार, उस आदमी को क्या बदनाम करें जो पहले से ही बदनाम है। हम सरकार को बदनाम करने के लिए दिल्ली आकर सेल्फी खिंचाने के लिए या कैमरे के सामने खड़ा होकर भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। हमारे सामने एक मजबूत सवाल है कि जो डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी शर्त क्या है? उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादी शर्त यह है कि देश देश के लोगों से बनता है। जब देश के लोगों के अच्छे दिन नहीं आए तो देश का अच्छा दिन कहां से आ जाएगा? असल बात यह है कि देश की मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं ही देश खुद को देश समझना शुरू कर दिए हैं। और उनको लगता है कि उनको जो चंदा देने वाले लोग हैं, उनका अच्छा दिन आया है, इसलिए देश का भी अच्छा दिन आ गया है। साहब, आपको जो कॉरपोरेट चंदा देते हैं उसका आंकड़ा हमारे पास है। सबसे पहले इन्होंने एक कानून बनाया कि इस देश में कॉरपोरेट फंडिंग के बारे में किसी को भी जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 80% कॉरपोरेट चंदे भाजपा की सरकार को दिया गया है। और भाजपा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी बन गई है। और सबसे मजेदार बात यह है कि राम मंदिर का वादा करके राम मंदिर के नाम पर भी करोड़ों रुपया चंदा लेकर के अपना भाजपा ऑफिस बना लिए हैं। और यह आरोप हमारा आरोप नहीं है, यह आरोप निर्मोही अखाड़ा का आरोप है कि 1400 करोड़ से ज्यादा रुपए
राम मंदिर के नाम पर चंदा करके बीजेपी खा गई, ये निर्मोही अखाड़ा का आरोप है। यह जो कॉरपोरेट फंडिंग है, इस कॉरपोरेट फंडिंग ने इस देश में डेमोक्रेसी के डिस्कोर्स की डाइवर्सिटी को खत्म कर दिया है। और डिस्कोर्स की डाइवर्सिटी किस तरीके से खत्म की गई है उसका एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप कुछ खास टीवी चैनल को खोलेंगे तो दिन रात उस पे कभी विकास विकास बेचा जाएगा, कभी देश देश बेचा जाएगा और कभी हिंदू हिंदू बेचा जाएगा, ये आपको दिखाई देगा। जैसे आप चैनल बदलते हैं उसी तरीके से हर शाम को ये न्यूज एंकर अपना सूट बदल करके इस देश का मुद्दा बदल देना चाहते हैं। हम उनको इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि इस देश का मुद्दा ये है कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, और इस मुद्दे को आप बदल नहीं सकते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं देश सिर्फ देश के लोगों से बनता है, जब देश के लोगों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो देश विकसित नहीं बन पाएगा। और शिक्षा की हालत यह है कि लगातार बजट में कटौती की जा रही है। कोठारी आयोग सुन सुन करके अब आपके भी कान पक गए होंगे, लेकिन सरकार इस पर कान देने के लिए तैयार नहीं है। कोठारी आयोग कहता है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, लेकिन इस सरकार का एजेंडा शिक्षा नहीं है, इसीलिए हर साल शिक्षा में बजट कटौती की जाती है। नतीजा ये होता है कि उस फंड कट के चलते सबसे बड़ी मार अगर किसी के ऊपर पड़ती है तो इस देश के गरीब लोग हैं, इस देश के किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, दलित आदिवासी पिछड़े अति पिछड़े महिलाएं और अल्पसंख्यक के बच्चे हैं जिनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। और अगर किसी तरह से आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लें तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इस देश में एक साल में 5 लाख से ज़्यादा इंजीनियर बनते हैं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है। अकेले केंद्र सरकार में 24 लाख सरकारी पद खाली हैं और रेलवे की भर्ती के नाम पर विद्यार्थियों से करोड़ों रुपया वसूल लिया गया। और विद्यार्थी भी शायद अभी सवाल को भूलने लगे होंगे कि एसएससी का एग्जाम होने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट कर दिया गया। जब मोदी जी परीक्षा पर ज्ञान दे रहे थे नए वोटर को आकर्षित करने के लिए, उन विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए जो पहली बार वोट देने वाले थे, तो मोदी जी गोल गोल बात कर रहे थे। मेरे मन में एक सवाल आया कि ये महाराज ये बता दीजिए ना कि इंटरव्यू में आप प्रश्न पत्र कैसे लीक करते हैं। प्रधानमंत्री का आप इंटरव्यू सुन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जो जवाब दे रहा है उसने ही सवाल लिख करके एंकर को दिया है। इस देश का एक भी मुद्दा नहीं है जिस पे प्रधानमंत्री आपको बात करते हुए दिखाएंगे। सवाल यह है कि सरकार की आलोचना करने से क्या होगा। सरकार की यदि हम सिर्फ आलोचना करें इससे हमको कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। इस देश के छात्रों और नौजवानों को आज ये तय करना पड़ेगा कि उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा। और मैं समझता हूँ कि इस देश में, इस देश के नौजवानों का आइडिया ऑफ इंडिया इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया जाएगा, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव किया जाएगा। और वह जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो इस देश में इक्वलिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, सबके लिए एजुकेशन की बात करता है, सबके लिए सेफ्टी की बात करता है। उस सामाजिक न्याय की पड़ताल यदि आप करेंगे तो आप देखेंगे कि लगातार सामाजिक न्याय के नियमों को खंडित किया जा रहा है, उसको तोड़कर मरोड़कर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। रोस्टर सिस्टम के नाम पर जो दबे कुचले तबके के लोग हैं उनको विश्वविद्यालयों में पहले आने से रोका गया, और जब वो आज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको दोबारा विश्वविद्यालयों में नौकरी पाने से रोका जा रहा है। देश के भीतर ऐसा महसूस होता है कि सरकार के पास विद्यार्थियों के ऊपर हमला करने के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वही स्क्रिप्ट,
वही पटकथा चैनल बदल जाता है, यूनिवर्सिटी बदल जाती है, लेकिन शोर शराबा नहीं बदलता है। याद होगा कि किस तरीके से एक खास मीडिया चैनल के द्वारा अब भी वो राग अलाप रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया है और किसी भी विद्यार्थी के खिलाफ कोई तरह का सबूत नहीं पाया गया है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी को ये बहाना क्यों बनाते हैं? एक यूनिवर्सिटी को ये बहाना इसलिए बनाते हैं ताकि उस यूनिवर्सिटी के नाम पे इस देश में, इस समाज को हिंदू और मुसलमान में खंडित किया जा सके। आज एएमयू के साथ वही तरह की घटना दोहराई गई है। यह सवाल हम लोगों को पूछना चाहिए कि रिपब्लिक चैनल रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं है, और यदि कोई रिपब्लिक चैनल का विरोध कर रहा है तो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का विरोध नहीं है, और ये जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया का विरोध नहीं है तो उस चैनल का विरोध करने के चलते आप विद्यार्थियों के ऊपर फर्जी मुकदमे कैसे दाखिल कर सकते हैं? और जब देश के भीतर आज हमारे जवानों के ऊपर शहीद हमला हुआ है, वो शहीद हुए हैं, तो बुनियादी सवालों को पूछने की बजाय इस यूनिवर्सिटी से सवाल पूछा जा रहा है। ऐसा लगता है कि इन हमलों के लिए जिम्मेवार इस देश में आतंकवादी नहीं, इस देश के अपने ही नागरिकों को बताया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये नफरत का डिजाइन क्यों है? ये नफरत का डिजाइन इसलिए है ताकि आप अपने सवाल को भूल जाएं। ये नफरत का डिजाइन इसलिए है ताकि इस दुष्ट की घड़ी में भी नफरत के खिलाफ इस देश के तमाम लोग एकजुट ना हो पाए। अगर आप एकजुट नहीं हो पा रहे हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो 44 जवान शहीद हुए हैं वो हर जाति और हर धर्म के हैं। यही इस देश की पहचान है, यही इस देश की डाइवर्सिटी है। और यह जो इस देश की डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी में यदि आपको भरोसा है तो आपको इस देश के लोकतंत्र पर भी भरोसा रखना चाहिए। और उस लोकतंत्र पर जो हमला है उसकी रक्षा करते हुए इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उसको लेकर के आपको अपने कंधों को मजबूत कर लेना चाहिए, अपने हाथों को एक दूसरे से जोड़ लेना चाहिए और इस मंच से यह संकल्प लेना चाहिए कि इस दुख की घड़ी में हम तमाम लोग अपने राजनीतिक मतभेद को भुला करके एकजुट होंगे और जनता के लिए इस देश में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जवानों को न्याय कैसे मिले, किसानों को न्याय कैसे मिले और संविधान का रक्षा कैसे किया जा सके। इसीलिए इस मंच से आप तमाम विद्यार्थियों के लिए मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ कि आज इस दौर में सबसे बुनियादी सवाल ये है कि हम इस उद्घोष को मजबूत करें। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, ये हमारा एजेंडा होना चाहिए। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो उस संविधान के तहत हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इस देश में सभी को शिक्षा मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको काम मिले, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम मिले, हिंदू हो या मुसलमान सबको बराबर का आत्मसम्मान मिले। ये हमारे संविधान की खासियत है। और इस एजेंडे पे विद्यार्थी कार्यकर्ता होने के चलते, विद्यार्थी नेता होने के चलते, विद्यार्थी संगठन में जुड़े होने के चलते आपकी जिम्मेवारी है कि आने वाले चुनाव में जो विद्यार्थियों का एजेंडा है उस एजेंडे पे आप स्टूडेंट का मैनिफेस्टो तैयार कीजिए और आप कहिए कि जो सरकार 6% GDP का शिक्षा पे खर्चा नहीं करेगी उसको हम वोट नहीं करेंगे, जो सरकार इस देश में पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे हमला करेगी उसको हम वोट नहीं करेंगे, जो सरकार पढ़े लिखे विद्यार्थियों को पकौड़ा बेचने का आदेश देगी उस सरकार को हम वोट नहीं करेंगे, और आने वाले चुनाव में लड़ने वाली तमाम ताकतों को एकजुट करके, इकट्ठा करके घर घर जाइए और घर घर जा करके जो इस सरकार की नाकामी है उसको बताइए और आपका जो एजेंडा है, जो पॉजिटिव एजेंडा है, जो आपके हक की लड़ाई है उसको लेकर के लोगों को इकट्ठा कीजिए। और उम्मीद रखिए कि इस लड़ाई को यदि हमने शुरू की है तो इस लड़ाई को हम ही जीते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि देश का विद्यार्थी जिस भी सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है वो सरकार गद्दी पे नहीं बैठ पाई है, उसको भी गलियों में धरना और प्रदर्शन करना पड़ा है। और इसीलिए
हमारा ये संकल्प होना चाहिए कि हमको बेरोजगार करने वाले नेताओं को हम बेकार करके उनको बताएंगे, उनको इस गद्दी से बाहर करके बताएंगे। और हमारा सवाल यही है कि आज इस देश में जनता के जो बुनियादी सवाल हैं उसको लेकर के हम इकट्ठा हों, और यह सरकार जो नफरत पे आधारित है, झूठ पे आधारित है, सूट बूट और लूट पे आधारित है, इस सरकार को गद्दी से बेदखल करके जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा का जो सवाल है, शिक्षा में जो बजट को बढ़ाने का सवाल है, तमाम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिले, नौकरी नहीं मिले तो बेरोजगारी भत्ता मिले, बनेगा जैसे कानून को लागू कराने के लिए अपने इस लड़ाई को हम संकल्पबद्ध होकर के लड़ेंगे। और उम्मीद कीजिए कि हम लड़ेंगे तो इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। इसी बातों के साथ आप तमाम लोगों को बुलाने के लिए और आप तमाम लोगों को आने के लिए शुक्रिया कहते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।